असलम इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की और जो ब्रेस्ट का कैंसर है ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा बिफोर टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा इसमें हम जो इस वीडियो में मेनली बात करेंगे वो हम बात करेंगे मोलिकलर क्लासिफिकेशन और ब्रेस्ट कैंसर की जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है इंसीडेंट्स पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इंसीडेंट्स की एक ओवरऑल जनरल नॉलेज होनी चाहिए लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई से जो रिलेटेड है तो मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो इसमें बताता हूँ हम सबसे पहले ये है कहते हैं हमने जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको दो में डिवाइड किया हुआ है जिसकी क्लासिफिकेशन आती है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है एक मोलिकलर आती है मोिकुलर मैंने अभी किताब में इसलिए लिखी हुई क्योंकि हम सारी बुक से पढ़ेंगे ये जो तीन मोलिकुलर क्लासीफिकेशन हैं विच आर इंपॉर्टेंट जो हिस्टोलॉजिकल आ जाती है उसको मैं गो थ्रू करता हूँ हिस्टोलॉजिकल को भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़्यादा इन डिटेल पढ़ाऊंगा हिस्टोलॉजिक में प्री इन्वेसिव आती है और इवेसिव आती है प्री इन्वेसिव विच अकाउंट्स फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंट उसमें हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा इनसाइट टू आ जाती है एंड लॉब्युलर कार्सिनोमा इन्साइट टू आ जाती है प्री इन्वेसिव इज ऑल्सो नोन एस कार्सिनोमा इनसाइट टू इन विच डक्टल इज मोर कॉमन डक्टल कार्सिनोम इन साइट टूट अकाउंट्स फॉर एटी परसेंट ऑफ द प्री इन्वेसिव कैंसर वेरअस लॉब्यूलर कार्सिनोमा अकाउंट्स इन सैटू कार्सिनोमा कार्ड ऑफ ट्वेंटी परसेंट और जो इवेसिव आ जाते हैं इवेसिव एज अ होल सेवेंटी फाइव परसेंट होते हैं इन्वेसिव के अंदर फर्दर क्या कहते हैं जो दो मेन टाइप्स आती हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो आती हैं और पास इन्वेसिव डॉक्टर और इन्वेसि लॉबिलर उसके अलावा जो और कुछ स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स आ जाती हैं उसमें हमारे पास ट्यूबुलर क्रिब्रीफाम मेडुलरी पेपिलेरी नो स्पेसिफिक टाइप और बहुत सी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जो कि हम नेक्स्ट या जो भी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे उनमें हम पढ़ेंगे डक्टल की जो होती है डटल का ये देखा जाता है कि उसका लो ग्रेड होता है इंटरमीडिएट ग्रेड होता है हाई ग्रेड होता है वेरस लो वेर कार्सिनुमन साइडो का कोई ग्रेड नहीं होता तो इस वीडियो में हम मॉलिकुलर वाली बात करेंगे ये आगे मैंने मोलिकुलर ही इस नेक्स्ट पेज में लिखी है मोलिकुलर जो क्लासिफिकेशन अब आजकल यूज होती है दैट इज ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव ई इज योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर ई पॉजिटिव के अंदर फिर हमारे पास आ जाती है लुमिनल और ल्यूमिनल को भी सब क्लासेस हमने किया हुआ लुमिनल ए पर और ल्यूमिनल बी पे वेर एस ई आर नेगेटिव में हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आ जाती है एच ई आर टू हर टू इन एंड हमारे पास ई आर नेगेटिव के अंदर आती है बेजल लाइक विच इज़ ऑल्सोन ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तो तीन uh, जो मेन हम टाइप्स पढ़ेंगे वो ई आर पॉजिटिव वाली एच ई आर टू पॉजिटिव वाली और ट्रिपल नेगेटिव बेजल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर वाली हम पढ़ेंगे ई आर वाली मैंने बता दिया कि जो उसके अंदर लुमिनल आ जाती है और वो 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 फर्दर सब कैसे हुई लुमिनल ए में लुमिनल बी में कि जो ई आर पॉजिटिव होंगी ई आर एस्ट्रोजन रिसेप्टर के दे वुड बी पॉजिटिव फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर वी आर एस दे वुड बी नेगेटिव फॉर हर टू हर टू इज बेसिकली योर रिसेप्टर टाइरो का इट इज ऑल्सो नो एस ई आर बी बी टू ये में पढ़ा था ई आर पॉजिटिव वाले में हमको ऑब्वियसली ई आर पॉजिटिव मिलता है जो हर टू इन्वेस्ट होती हैं जो दूसरी लाइफ टाइप थी उसमें हमारे पास ओवर एक्सप्रेशन वो होता है हर टू की जीन का विच मे बी आईदर ई आर पॉजिटिव और ई आर नेगेटिव फिर जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर आता है टी एन बी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास तीनों चीज़ें नेगेटिव मिलती हैं एक ई आर नेगेटिव मिलता है स्टूडेंट सेप्टर हर टू नेगेटिव मिलता है और साथ में हमको पी आर नेगेटिव मिलता है विच इज योर पोजिस्ट्रॉन रिसेप्टर एंड दिस पोजिस्ट्रॉन रिसेप्टर इट इज़ ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर तो सिंस ई आर नेगेटिव होगा तो उसमें पी आर भी नेगेटिव होगा अगर हम वैसे एक जनरलाइज इंसिडेंस का देखा जाए तो ये देखा जाता है कि दीज ब्रेस्ट कैंसर्स आर काफ़ी रेयर इन यंगर वुमेन मोस्टली ओल्डर वुमेन को ही ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और जो एज देखी गई है क्या कहते हैं अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी में इनका पीक देखा गया लेकिन जो टी एन बी सी और हर टू वाले कैंसर होते हैं ट्रिपल नेगेटिव और जो हर टू इंडस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो यंग वुमेन होती हैं जो जिनकी एज अराउंड ट्वेंटीज़ में होती है उनमें अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ दो ब्रेस्ट कैंसर्स दे आर ऑफ टी टी एन बी एंड हर टू टाइप के दे कंप्राइज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैंसर्स इन यंग वुमेन वेल एस ओल्ड वुमेन ज़्यादातर कौन से कॉमन कैंसर्स होते हैं जो ई आर पॉजिटिव वाले होते हैं जिसमें हमारे पास लुमिनल आ जाती है इनके हम फैक्टर्स की बात करें अगर तो तो रिस्क रिस्पैक्टर्स हमारे पास ऑब्वियसली जेंडर आ, आ जाता है कि नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम फीमेल ही अफेक्टेड होती हैं एज आ जाती है ओल्ड एज में ज़्यादातर देखा जाता है लाइफ टाइम एक्सपोजर तो आ जाता है टू एस्ट्रोजन जेनेटिक इनहेरिटेंस आ जाती है और अलग से इन्वायरमेंटल लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने सारे रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर बताए हैं अच्छे से इसमें क्या कहते हैं फीमेल जेंडर इंक्रीज एज जर्मलाइन म्यूटेशन ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल पढ़ेंगे और ये देखा गया कि कौन कौन से ज़्यादा इंक्रीज इंक्रीज फैक्टर हैं अर्ली मीनार्ची यानी अर्ली बिगिनिंग ऑफ मेन्सिस लेट मेनोपोस लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी नली पैरिटी एबसेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड एक्जोजीनियस थेरेपी एंड पोस्ट मेनोपोजल ओबीसीटी ये जो पाँच छः मैंने जो बोले हैं दीज आर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज इसमें ये देखा जाता है कि इसमें जो एस्ट्रोजन है एस्ट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ नहीं है एस्ट्रोजन बॉडी में फिर ज़्यादा रह रहा है अर्ली मीनार्टी की वजह से भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा लेट मैनो पॉजिटिव से भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा अगर लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी हो हमें पता है प्रेगनेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिस्टॉन होता है एस्ट्रोजन इतना नहीं होता तो अगर लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई किसी फीमेल की उसमें भी उन उस फीमेल में भी एस्ट्रोजन बड़ा होगा नली पेरेटी मतलब कि उसके कोई बच्चे नहीं हो तो उस केस में भी उसके पास एस्ट्रोजन बड़ा होगा एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और एक्जोजिनस हॉमोन थेरेपी ओबिसी दीज ऑल आर लिंक टू इंक्रीज एस्ट्रोजिन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम फर्दर सब क्लासीफाई करें तो वी कैन सब क्लासीफाई अंडर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल में तो हमारे पास जेंडर आ जाता है दो फैक्टर्स विच वी कैन नॉट चेंज जेनेटिक्स आ जाती है एज आ जाती है फैमिली हिस्ट्री आ जाती है मेनोपॉज uh, या मैंसिस की हिस्ट्री आ जाती है और भी ब्रेस्ट लीजेंस आ जाते हैं वेरस मॉडिफाइबल के अंदर हमारे पास आती है ओबीसीटी फिजिकल इनएक्टिविटी हैविंग चिल्ड्रेन ब्रेस्ट फीडिंग एल्कोहल कंजम्प्शन हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड कॉन्ट्रासेप्टिवस तो और यही ये एक कहते हैं मैंने ये चीज़ याद रखनी है जो इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट है दैट इज़ अर्ली मीनार्जी एंड लेट मेनोपॉज और ये देखा गया है कि जो फीमेल्स जिनकी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी जिनकी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है अराउंड अर्ली ट्वेंटीज़ की एज में और जो प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर काफ़ी लो तो अब हम मोलिकुलर क्लासिफिकेशन वही चीज़ उन्होंने बताई हुई ल्यूमिनल जो जिसको मैं ज़्यादा रिपीट करता रहूँगा कि ल्यूमिनल विच इज प्रिडोमिनटली ई आर पॉजिटिव एच ई आर टू नेगेटिव एंड हर टू इंड प्रिडोमिनटली हर टू पॉजिटिव मे बी आर पॉजिटिव और इट मे बी ई आर नेगेटिव एंड देन बेजल लाइक विच इज ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हर टू ई आर और पी आर तीनों नेगेटिव मिलते हैं अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर की दो ब्रेस्ट कैंसर विच आर लिंक टू विच आर लिंक ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ अससेप्टेबल जीन इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो जीन आती है जिसका नाम हर हाल में याद रखना है वो है ब्राका वन एंड ब्राका टू ये देखा गया कि जो एट्टी टू नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम जो सिंगल जीन फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर मिलते हैं दीज आर ड्यू टू ब्राका वन एंड ब्राका टू एंड दे अकाउंट फॉर थ्री टू सिक्स परसेंट ऑफ ऑल ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स के ये इसमें होता है ऑटोसोमल डोमिनट पैटर्न मिलता है एंड इसमें जो जो भी पेशेंट होगा उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को क्या कहते हैं ये बेस्ट कैंसर हुआ हुआ होगा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में मदर्स आ जाती हैं सिस्टर्स आ जाती हैं डॉटर्स आ जाती हैं और कभी कभी ग्रैंड मदर्स भी आ जाती हैं कि में क्या कहते हैं ब्राका वन और ब्राका टू की बेसिकली म्यूटेशन मिलती है ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न मिलता है हमें यही पता है कि जो भी एक ब्राका वन या ब्राको टू में से कोई भी एक एलील डिफेक्टेड होगी और दूसरी लील का स्पोरेटिकली वो म्यूटेट होकर कहते हैं अफेक्ट हो जाएगी कि स्पोरेटिक उसमें लॉस हो जाएगा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आएगी जिसकी वजह से फिर ब्रेस्ट कैंसर हमें मिलेगा अब ब्राका वन और ब्राको टू से कौन से डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर मिलते हैं वो भी हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे साथ में ये देखा गया कि ब्राका वन एंड ब्राकट टू दे आर ऑल्सो लिंक टू के कहते हैं ओबेरिंग कार्सिनोमा जिसमें से ब्राकअ वन इज़ हाईली ब्राका वन बेसिकली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओबेरिंग कार्सिनोमा मोर आ, मोर कम्पेयर टू ब्राकट टू के ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट और टाइम जिन लोगों में जर्म लाइन म्यूटेशन होती ब्राकअब वन की उनमें ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओबेरिंग कार्सिनमा होते हैं वेरस ब्राकट टू में ये देखा गया है कि जो उनमें रिस्क है ओबेरिंग कार्सिनोमा का दैट इज अराउंड टेन टू ट्वेंटी परसेंट तो ब्राकब वन के जो होते हैं एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं दे आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एंड ब्राका वन की जो जर्म लाइन म्यूटेशन है दे कम अंडर योर टी एंड बी सी सब ग्रुप जो मोिकुलर क्लासिफिकेशन पड़ी उसमें से जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें हम देखेंगे कि उसमें जर्म लाइन म्यूटेशन अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर किसी को जर्म म्यूटेशन की वजह से हो रहा है तो उसमें जर्म म्यूटेशन हुई भी होगी ब्राका वन की वेरियस जो ब्राका टू की जर्म म्यूटेशन होती है इवन दो दैट इज ऑल्सो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड बट दे कम अंडर योर मोलिकुलर क्लासिफिकेशन अंडर योर ई आर पॉजिटिव ठीक है ये चीज़ याद रख लेनी ब्राका वन कम अंडर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्राका टू दे कम अंडर ई आर पॉजिटिव उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनकी जर्मल म्यूटेशन इंक्रीजिज़ द रिस्क ऑफ़ हैविंग फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स ये मैंने हाईलाइट भी की हुई इनका हम अलग से ये जो टेबल बना हुआ है इस टेबल में से आप लोगों ने सिर्फ ये जीन्स याद रख लीन दीज आर सम अदर फेमिलियल जीन्स जिनकी अगर जर्म म्यूटेशन हो सो दे आर क्या कहते हैं लिंक टू हैविंग इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ब्राक वन ब्राका टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटी टू नाइनटी परसेंट ऑफ टाइम यही होती है उसके अलावा हमारे पास आए थी टी पी फिफ्टी थ्री की जर्म लेशन ले जो कि लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम कॉज कराती है पी टेन की जर्म लेमिटेशन विच कॉसिस काउडन सिंड्रोम एस टी के एलेवन की जर्म लाइन म्यूटेशन विच कॉसिस प्लोर्स जगर सिंड्रोम सी डी एच वन की जर्म लाइन म्यूटेशन और साथ साथ चेक टू एंड ए टी एम इन सबकी जर्म लाइन म्यूटेशन कैन हैव कैन बेसिकली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग फेमिलियर ब्रेस्ट कार्सिनोमा ये थी फेमिलियर और अब हम आते हैं स्पोरेटिक में और उस से पहले मैं एक चीज़ जो बताना भूल गया वो ये कि कभी कभी सिर्फ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया कि जो फेमिलियल होते हैं उनमें वो म्यूटेशन नज़र नहीं आ रही होती है लेट्स सपोज कि कोई भी अगर पेशेंट है देर इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ अ टाइम ये चांस हो सकता है कि उसकी अगर अम्मी या उसकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें हमको वो जो ब्राकआवन या ब्राक टू है उसकी म्यूटेशन नहीं मिलेगी लेकिन एटी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम मिलती है तो वही चीज़ बस याद रखनी है कि जर्मन म्यूटेशन ब्राका वन एंड ब्राका टू एलिंग टू हैविंग ब्रेस्ट कैंसर देन इट कम्स अंडर योर पैथोजेनेसिस ऑफ पोरेटिक ब्रेस्ट कैंसर अब हम ये जो हमने मॉलिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसको इन डिटेल पढ़ेंगे सबसे पहले हम आते हैं ई आर पॉजिटिव में ई आर पॉजिटिव हर टू नेगेटिव दे आर दे कम अंडर योर ल्यूमिनल टाइप ल्यूमिनल को भी सब क्लासीफाई किया हुआ है ल्यूमिनल ए और ल्यूमिनल बी में जिसको भी मैं डिटेल पढ़ाता हूँ इसमें बेसिकली होता है क्या है इसका जो ये वाला फ्लो चार्ट है ना इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद रख लेना है जो ई आर पॉजिटिव होते हैं उनमें ये पाथवेज देखा जाता है जो ई आर नेगेटिव होते हैं उनमें ये पाथवेज देखा जाता है और जो हर टू वाले होते हैं उनमें ये ग्रीन वाला पाथवे देखा जाता है कि जो ई आर पॉजिटिव होते हैं दे कैन अगर्सपोरेटिकली या ड्यू टू फेमिलियल हो सकते हैं फेमिलियल में क्या होगा फेमिलियल में दे वुड बी जर्म लाइन इन ब्राका टू और अगर स्पोरेटिकल अराइज करें तो स्पोरेटिकल अराइज में क्या होगा दे वुड बी लॉस ऑफ क्या कहते हैं क्रोमोजोम सॉरी दे वुड बी गेन ऑफ क्रोमोजोम वन क्यू लॉस ऑफ क्रोमोजोम सिक्सटीन क्यू एंड दे वुड बी एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन पिक सी ए ठीक है गेन ऑफ वन क्यूक्रोमोजोम लॉस ऑफ सिक्सटीन क्यू क्रोमोजोम गेन ऑफ फंक्शन रूटेशन एंड पिकीसी सी ए और हमको सबसे पहले ये प्रिकर्सल लीजेंस मिलेंगे लाइक फ्लैटी टिपिया ए टिपिकल डक्टर हार्पर फ्लेजिया डक्टर कार्सम्यूमा इन साइड टू एंड देन लेटर ऑन वो फिर क्या कहते हैं इनवेसिव टाइप में बनेगा ये चीज़ याद रखनी है ये हमको मिलेगी ई आर पॉजिटिव पाथवेज के साथ अब मैं इसी चीज़ को ये जो मैंने यहाँ पर समझाइए अब मैं इसको पैराग्राफ पे के थ्रू समझाऊँ कि होता क्या जो ई आर पॉजिटिव होते हैं अच्छा जो ई आर पॉजिटिव होंगे दे वुड क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली बिकम पी आर पॉजिटिव प्रोजिस्ट्रॉन रिसेप्टर पॉजिटिव क्यों यू क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि जो हमारा पी आर होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ई आर सिंस ई आर वुड भी पॉजिटिव सो दैट मीन्स दैट पी आर वुड ऑल्सो भी पॉजिटिव ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है एंड जो ई आर पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं दे आर यूजअली वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड दे आर स्लो ग्रोइंग इसमें मैं अभी आगे बताऊंगा इसमें जो लुमिनल ए वाला पैटर्न आता है उसका देखा गया कि दैट इज़ यूजली स्लो ग्रोइंग और इसमें होता है कि मेजर रिस्पेक्टर क्या ल्यूमिनल ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेजर रिस्पेक्टर इज़ योर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादातर ओल्डर फीमेल्स में ये होता है एस्ट्रोजन का एक्सपोजर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्ट्रोजन के एक्सपोजर से क्या होता है नो के एस्ट्रोजन एट बेसिकली इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लाइक योर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ऐसा अपलेटेड ग्रोथ फैक्टर फाइबर प्लस ग्रोथ फैक्टर डिफ्रेंट डिफ्रेंट जो सारे ग्रोथ फैक्टर हैं ये इनको एस्ट्रोजिन इंक्रीज़ करा के करता क्या जो हमारे पास ब्रेस्ट के एपीथीरियल सेल्स होते हैं वहाँ पर जेनेटिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट कराता है एज ए रिज़ल्ट हमें पता है कि एस्ट्रोजिन जो हमारे जो बेसिकली ये सेक्शुअल कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करता है और जो सेक्शुल uh, ऑर्गन होते हैं जिस तरह ब्रेस्ट आ गई अब ब्रेस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलीफ्रेशन कराता है एपीथीरियल सेल्स की And जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिफिशन कराएगा तो देवर देवर माइड का चांस किए क्या कहते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कोई पहले प्रिकर्स लिजन बन जाए एस्ट्रोजन उसको इन्हेंस कर दे और प्रकर्शन लीजन बनने से वो फिर फुली मेलिग्नेंट कैंसर बन जाए प्रकर्शन लीजन कौन सा बनेगा जो मैंने यहाँ पे बता दिया कि फ्लैट एपिथेलियल ए हो जाए ए टिपिकल डॉक्टर हाइपरप्लेजिया हो जाए एंड देन इवेंचुअली इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्स्यूमा हो जाए सो so, ये हमारे पास आ जाता है दैट्स ऑल्सो ड्यू टू गेन ऑफ क्रोमोजोम वन क्यू लॉस ऑफ क्रोमोजो सिक्स क्यू एंड सिक्सटीन क्यू एंड एक्टिवेशन म्यूटेशन इन पिक थ्री सी ए इसकी हम अगर बात करें लुमिनल ए पैटर्न की और लुमिनल बी पैटर्न की होता क्या है ई आर पॉजिटिव के अंदर आते हैं लुमिनल लुमिनल में फर्दर दो आते हैं लुमिनल ए और बी जो लुमिनल ए हैं दे आर ई आर पॉजिटिव पी आर पॉजिटिव सी के एट एटीन पॉजिटिव सी के एट इज़ बेसिकली एज अ मार्कर यूज होते हैं जैसे जो साइटो केरोटिन एट और साइटो कैरटिन एटीन पॉजिटिव ये लो ग्रेड होते हैं और दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड और इनमें जो के आई सिक्सटी सेवन होते हैं जो कि एज अ माइटोसिस का मार्कर यूज़ होता है वो भी लो होता है एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि ये ज़्यादातर पॉलीफेटिव नहीं होते जो लुमिनल ए वाले होते हैं ए याद रखना होगा कि ए वाले ज़्यादातर पॉलीफ्रेटिव नहीं होते एंड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द टाइम हमको ये लुमिनल ए ही पैटर्न मिल रहा होता है इट इसेटेड विद जर्म लाइन म्यूटेशन ऑफ ब्रॉकट टू और स्पोरेटिकल म्यूटेशन ऑफ पिक्ट्रीस ये ए टिपिकल डॉक्टर हाइप्रोफीजियाम मिलता है ज़्यादातर ओल्ड फीमेल में होता है या वो फीमेल जो हॉर्मो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर गो हो रही हो इट हैज़ अ लो पोलिफ्रेटिव इंडेक्स इट हैज़ लो चांसेस ऑफ रिकरेंस इसकी ट्रीटमेंट और सर्जरी हम काफ़ी रेयरली कराते हैं और इसका मेटास्टिस भी काफ़ी लेट होता है तो उसको हम शर्म से ट्रीट करते हैं बेचारे सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर और मोडीलेटर्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं टोमोक्सीफैन एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी से या टोमोक्सीफैन देने से जो ये वाले लूमिनल ए होते हैं वो ईजीली ट्रीटेबल हो जाते हैं अब जो लुमिनल बी होते हैं लुमिनल बी आर आल्सो ई आर पॉजिटिव दे आर ऑल्सो पी आर पॉजिटिव दे आर साइक्लिंग ई वन जो एस सी सी एनी वन जो है ई वन साइकिलिंग ई वन पॉजिटिव एंड दे आर के आई सिक्सटी सेवन पॉजिटिव लुमिनल बी का क्या देखा जाता है कि जो लुमिनल बी का पैटर्न होता है वो एग्रेसिव होता है एग्रेसिव इसलिए होता है क्यों क्योंकि इसमें साइक्लिन ई वन और के आई सिक्सटी सेवन की क्वालिफ्रेशन मिल रही है दे आर पॉजिटिव साइकिलिंग ई वन ये स्टेट कर रहा है कि इन बी वाले पैटर्न में होता है कि ज़्यादा पोलफ्रेशन हो रही है और के आई सिक्स सेवन भी यही डिनोट कर रहा है कि ज़्यादा माइटोसिस हो रही होती है और यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ल्यूमिनल बी का पैटर्न होता है इट हैज हाई लेवल्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दोज चीज विच आर एसोसिएटेड विद पोलिफ्रेशन जिसमें हमारे पास आ गई साइक्लिन ई वन और के आई सिक्सटी सेवन आ गई जो एसोसिएटेड विद माइटोसिस एंड देयर इज ऑल्सो ग्रेटर बर्डन ऑफ क्रोमोजोमल एबेरेशन जो लुमिनल बी वाले पैटर्न होते हैं दे समाइम्स समटाइम्स ये होता है कि लुमिनल बी वाले पैटर्न में क्या कहते हैं पी फिफ़्टी थ्री की म्यूटेशन हो जाती है एंड दे आर एसोसिएटेड विद जर्म लाइन म्यूटेशन ऑफ ब्राका टू और इसकी ये है कि जो हमारे पास ये होता है लुमिनल बी होता है लुमिनल बी में याद रखना है कि इसको हम एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी से ट्रीट नहीं करते इसको हम कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं ये एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी से ज़्यादातर ट्रीट नहीं हो पाता तो जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि ल्यूमिनल ए कैन बी ट्रीटेड विद एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी जिसमें हमारे पास सर्म आ जाता है जिसमें हमारे पास टमोक्सीफेन आ जाता है वेर एस जो ल्यूमिनल बी पैटर्न है इट इज़ यूजली ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी एंड ल्यूमिनल बी पैटर्न इज मोर एग्रेसिव एंड मोर प्रोलिफ्रेटिव कम्पेयर टू ल्यूमिनल ए लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इवन दो तो ल्यूमिनल बी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है ल्यूमिनल ए और ल्यूमिनल बी इन दोनों की जो प्रोग्नोसिस हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं अब हम आते हैं दूसरी टाइप पे विच वॉल अवर हर टू इंडिस्ट कैंसर्स हर टू पॉजिटिव एज आई स्टेट बिफोर हर टू इज बेसिकली अवर टायरोसिन काज ऑल्सो नोन एज ई आर बी बी टू इसमें क्या होता है कि इसमें इट इस क्या कहते हैं इसकी इसकी जीन की एम्पलीफिकेशन हो जाती है इस जीन की एम्प्लीफिकेशन से होता क्या है कि इट प्रोमोट सेल पोलिफ्रेशन इट अपोजिस अपोप्टोसिस बाई स्टूलेटिंग द रैस एंड इट इज सिग्लिंग पाथ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं दे आर हर टू पॉजिटिव दे मे बी क्या कहते हैं ई आर पॉजिटिव और दे मे बी ई आर नेगेटिव इसमें जो हमें मोस्ट कॉमन जर्म लाइन म्यूटेशन मिलती है अगर तो फेमिलियल आ रहे होंगे तो उसमें हमें जर्म लाइन म्यूटेशन किसकी मिलती है P53 की मिलती है मोर देन 95% फाइव परसेंट ऑफ द टाइम देयर एसोसिएट विद जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ हर टू ये इन्होंने दिखाया हुआ है इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन होती है पी फिफ्टी थ्री की मेनली क्या आ, होता हो रहा होता है हर टू की एम्प्लीफिकेशन हो रही होती देर इज़ नो डेफिनेट प्रकर्सन एंड देर इज़ नो डेफिनेट क्या कहते हैं टू या कोई लीजन इसमें नहीं होता और फिर ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कैंसर्स को बेसिकली वो करता है कंटेन uh, करता है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ऑल द ब्रेस्ट कैंसर्स को क्लिनिकली हम इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं बाई डिटेक्टिंग हर टू ओवर एक्सप्रेशन थ्रू इम्यूनो हिस्ट्रोकेमिस्ट्री और हर टू जीन एम्प्लीफिकेशन बाई इनसाइट टू हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इसमें होता है ये कि जब हम हर टू की स्टेनिंग करा रहे होते हैं तो वो मार्क इस तरह मिलते हैं कि जो सेल्स होंगे ना उनके साइटोप्लाजम में बेसिकली वो स्टेन टेकअप कर रहे होंगे हर टू के जो जो भी सेल्स होंगे विच आर हैविंग इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ हर टू उनका हम साइटोप्लाजम देखेंगे कि उनका साइटोप्लाज्म में हमें वो जो स्टेन होगा वो पॉजिटिव मिलेगा वेयर एस अगर हमने ई ER आर को डिटेक्ट करना ई आर ER या पी आर को तो उसके लिए जो हम इम्यूनोहिस्टो केमिकल स्टेन यूज़ करते हैं उनका ये देखा जाता है कि वो सेल्स विच आर हैविंग हाई ई आर पॉजिटिव एंड हाईली पी आर पॉजिटिव उनमें ये देखा जाता है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेन को पॉजिटिव शो कर रहा होता है ठीक है हर टू का ये होता है कि हर टू में सेल का साइटोप्लाज्म शो कर रहा होता है कि वो हर टू पॉजिटिव है वो मतलब के हर टू वाले सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके साइटोप्लाज्म ज़्यादातर टेकअप कर लेते हैं स्टेन को वेरस अगर हमने ई और टी को डायग्नोज करना डिटेक्ट करना इम्यूनोसिस्टो केमस्ट्री से तो जो उनके मार्कर्स होते हैं ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनका न्यूक्लियस टेकअप कर रहा होता है उस मार्कर को न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेंड हुआ हुआ होता है ये चीज़ अगर हमें यहाँ से बताऊँ तो हर टू जो इन्वेस्ट होते हैं दे कम अंडर ई आर नेगेटिव दे माइट बी ई आर पॉजिटिव और माइट बी ई आर नेगेटिव जो वी सीन डूफोर इनमें ये जी आर बी सेवन एक प्रोटीन ज़्यादा हमको पॉजिटिव मिलती है दे ग्रो फास्टर इनकी जो हम थेरेपी कराते हैं दैट इज़ थ्रू हर सेप्टिन हर सेप्टिन इज बेसिकली एंटीबॉडी विच बाइंड टू हर टू रिसेप्ट हर टू रिसेप्टर एंड इट इनहिबिट्स इट यही चीज़ उन्होंने बताई हुई कि एंटीबॉडीज़ एट बाइंड एंड ब्लॉक हर टू एक्टिविटी यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ नाम याद रखने देट इज़ नॉन एज हर सेप्ट विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर टू इन ब्रेस्ट कैंसर्स के ट्वेंटी परसेंट अकाउंट करते हैं ज़्यादातर यंग फीमेल्स को होते हैं जिस तरह मैंने अभी पीछे बताया था कि जो टी एन बी सी और हर टू वाले मिलेंगे वो फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम हमें यंग फीमेल्स में मिलेंगे एसोसिएटेड विद लीव एनी सिंड्रोम विच इज बेसिकली जर्म लाइन म्यूटेशन ऑफ पी फिफ्टी थ्री इनका अर्ली मेटास्टेसिस होता है एंड जो वन थर्ड होते हैं दे आर ट्रीटेड बाय हर सेप्टिन एंड नाउ लास्टली वी कम अंडर अवर टी एन बी सी विच इज ट्रिपल नेगेटिव बेजल सेल बेजल सेल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स इनको हम बेजल लाइक -like भी कहते हैं इनको बेजल लाइक -like इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो पहली बार ट्रिपल नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं ई आर नेगेटिव ई आर नेगेटिव हर टू नेगेटिव बेसल लाइक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो वो होता है एम आर एन ए का बेसिकली जो पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल इसमें हमको बेसल लाइक मिलता है ये पीछे अगर हम जाएँ हम जाएँ हाँ यहाँ पर इन्होंने कि एम आर एन ए के डिफरेंट पैटर्न बताएंगे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ये बस एक वैसे मैं ये समझा रहा हूँ कि जो टी एन बी सी वाले होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमें पैटर्न मिल जाए एम आर एन ए का येजल ये मिल रहा है कि बेसल ही ज़्यादा वो मार्ट हुई हुई है ऊपर ग्रीन है तो ऊपर मतलब नॉर्मल है बाकी हम जितने भी डिफरेंट पैटर्न देखें उसमें हमसे देख सकते हैं कि स्कैटर्ड स्कैटर्ड एम आए ए का पैटर्न मिल रहे हैं वेर एस टी एन बी सी में बेजल लाइक नीचे को बेजल बेजल साइज नीचे होते हैं तो बेजल लाइक पैटर्न मिलता है एम आर एन ए का दूसरा इसको बेजल लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि मायापी सेल्स में वो सेल्स विच आर लोकेटेड बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर जीन एक्सप्रेशन बड़ा होता है जिसकी वजह से हमको ये पैटर्न एक तरफ से मिल रहा होता है कि माओ सेल्स में जो सेल्स बेसिल लोकेटेड होंगे उनमें जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा पॉलिफेट कर रहा होगा ट्रिपल नेगेटिव जो बेजल आ, होते हैं इनका जो प्रिकर्सल लीजन होता है दैट इज़ बेसिकली पी फिफ्टी थ्री पॉजिटिव उसको जब हम डिटेक्ट कर होते हैं अच्छा जो टी एन पी सो है देआर एसोसिएटेड विद जर्नल म्यूटेशन ऑफ ब्राका वन जो ई आर्थ है देवर एसोसिएटेड विद जर्नलाइन म्यूटेशन ऑफ ब्राका टू इनको याद रखना इनसे कन्फ्यूज नहीं कर देना अब इसमें होता क्या है इसमें बेसिकली पी फिफ्टी थ्री की म्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है अगर जो उस पोरेटिकली अराइज कर रहे हैं एंड जिसमें हमें प्रकर्स लीजन मिलते हैं प्रकर्सल लीजन में यही हमें मिलता हैं पी फिफ्टी थ्री की प्रोटीन्स होती हैं वो हमको ज़्यादा इन्वॉल्व मिलती हैं फिर कारसिनोम इनसेट हुआ और फिर इवेंचुअली इन्वेसि कैंसर इसमें हो जाता है कि आ, ब्राका वन की जर्मला म्यूटेशन आर मेनली इन्वॉल्व क्लिनिकली डिटेक्ट इस तरह होते हैं कि दे आर सीन एज अ पेल्पेबल मैस विच आर नॉट डिटेक्टेड थ्रू मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग इनके जो चांसेस होते हैं रिकरेंस काफ़ी हाई ये देखा गया है कि आफ्टर एट ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस इनकी रिकरेंस हो जाती है उनका मेटास्टिस भी देखा गया है इन टू डिफरेंट साइड्स लाइक योर विस्ट्रल साइड एंड ब्रेन और ये है कि अगर तो ऐसा हो कि किसी को टी एन बी सी वो हुआ है डायग्नोज हो चुका है अगर तो वो टेन ईयर तक उसके साथ सर्वाइव कर गया ना तो फिर देर से कम चांस के उसको रिकरेंस हो नॉर्मली ये होता है कि डायग्नोसिस के बाद एट विदिन एट ईयर्स उनका दोबारा रिकरेंस हो जाती है लेकिन अगर तो ऐसा हो कि वो पेशेंट ने टेन ईयर्स तक सर्वाइव कर कर लिया है उस ट्यूमर के साथ तो उसमें फिर रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे इनकी जो ट्रीटमेंट होती है ट्रीटमेंट में हम कोई ये है कहते हैं ड्रग्स नहीं दे सकते बेसिकली ड्रग कोई टारगेटेड ड्रग थेरेपी नहीं करा सकते वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि इसमें हमें ई आर भी नेगेटिव मिल जाए पी आर भी नेगेटिव मिल रहा है हर टू भी नेगेटिव मिल जाए तो हम ड्रग किस सेप्टर के खिलाफ देंगे इसमें इसलिए हम इसमें जो ज्यादा करते हैं हम इसमें ज़्यादातर क्या कराते हैं हम इसमें कीमोथेरेपी ज़्यादातर कराते हैं एज अ ट्रीटमेंट और मैं यहीं से ही पढ़ा देता हूँ कि जो बेजन लाइक होते हैं बच्चा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ये तीनों चीज़ें नेगेटिव मिलती हैं हर टू पी आर ई आर नेगेटिव पी फिफ्टी थ्री की मेनली म्यूटेशन मिलती है हाईली अग्रेसिव होते हैं हायर रेल देखा जाता है यंग फीमेल से ज़्यादातर होते हैं कीमोथेरेपी से ट्रीट होते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पॉजिटिव मिलता है याद होता है ठीक है नहीं याद होता तो कोई बात नहीं और लास्टली इसकी यही चीज़ है कि फ़िफ्टीन परसेंट अकाउंट करते हैं देर रेपिडली ग्रोइंग रिकरेंस देखी जाती है थर्टी परसेंट दो पेशेंट्स के अंडी ट्रीटेड कीमोथेरापी इनका अर्ली मेटास्टेसिस देखा जाता है सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द मोलिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हिस्टोलॉजिकल की हम इन्वेसिव और प्री इन्वेसिव डक्टल एंड लोबुलर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर एक ट्रेलर देना चाहूँ नेक्स्ट वीडियो का तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक पढ़ेंगे तो देट वॉज ऑल रिलेटेड टू दिस आई होपर्ट में आ गया हो एंड थैंक यू इसमें मेन जो चीज़ याद रखनी है वो क्लासीफिकेशन हर हाल में याद रखेंगे थैंक यू